Hello friends, welcome to Pooja Classes for UC NET. If you like my video, please like and subscribe my channels so you get new notification about UGC NET paper 1 and paper 2. Paper 2 for Tourism Administration and Management. So let us start updated CBSE UGC NET syllabus Tourism Administration and Management. Okay, so you know all. For CBSE UGC NET aspirants, we have merged the entire syllabi of paper 2 and paper 3 for of the subject of tourism admission and management. Paper 2 and paper 3 ko combine kar diya gaya hai. Main last two unit discuss karne wali hu. Subject code hai 93. Last two unit hai unit 9 and unit 10. Unit 9 depend hai management pe. Management ke upar padhna hai. Management tourism ka management kya hai? Aur unit 10 padhna hai financial management. ठीक है, सो लेट स्टार्ट विथ यूनिट 9, मैनेजमेंट. व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो. मैनेजमेंट मीन्स, सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट टैक्टफुली. ओके, सो हियर वी स्टडी अबाउट कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का लेवल्स क्या क्या है, कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, मैनेजरियल स्किल्स क्या है एंड रोल्स क्या है, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एथिक्स, प्लानिंग. मैनेजमेंट की प्लानिंग क्या है, उस प्लानिंग के अंदर नेचर पढ़ना है, नेचर पर्पोज टाइप्स एंड प्रोसेसेस. मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स, डिसीजन मेकिंग मॉडल्स. ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना है इसका. ये सब मैनेजमेंट के डिटेल में है. प्लानिंग पढ़ते हैं हम. सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल करने के लिए प्लान करना पड़ता है, फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फिर डायरेक्ट करना पड़ता है, फिर डायरेक्टिंग के बाद हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ती है. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने ये सब बिजनेस स्टडीज में या फिर जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा ही होगा. ठीक है, सो प्लानिंग में पढ़ना था नेचर, पर्पोज टाइप्स एंड प्रोसेस. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स, डिसीजन मेकिंग मॉडल्स. ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डिलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कंफ्लिक्ट एंड कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, इनोवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन प्रोसेस, टाइप्स, बैरियर्स क्या है इसके एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, लीडरशिप कंसेप्ट, थ्योरीज एंड स्टाइल्स. कंट्रोलिंग के अंदर पढ़ना है प्रोसेस इसका क्या है, मेथड्स एंड टेक्निक्स, मैनेजिंग इंटरनेशनल बिजनेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ऑटोमेशन ऑफ मैनुअल सिस्टम, डाटा प्रोसेसिंग स्टेजेस, इवोल्यूशन फ्रॉम ईडीपी एंड ईडीपी टू एमआईएस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्टेटस, फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग एमआईएस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, एप्लीकेशन ऑफ सीआरएस, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम. यहाँ पे ऑलरेडी देखो लिखा हुआ भी है, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम. ठीक है, इन ट्रेवल ट्रेड एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. तो ये सारा कुछ हमें यूनिट 9 के अंदर पढ़ना था. अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 10, जो लास्ट यूनिट है इस पूरे टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का. ठीक है, फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग. फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग जो इसका क्या क्या है, फिनांस. ठीक है, फिनांस क्या पढ़ना है हमें, मीनिंग क्या होता है इसका. ठीक है, गोल्स क्या है, फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंस एंड टाइपोलॉजीज ऑफ फिनांस क्या है, रोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या है, एनवायरमेंट क्या है इसका, फोरकास्टिंग एंड फिनेंशियल प्लानिंग क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या क्या है, मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स क्या क्या है इसके,
वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, फिनेंशियल करेंट एसेट्स, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, एनालिटिकल टेक्निक्स, नॉन डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड टेक्निक्स, ठीक है, ये सब पढ़ना है. फिनेंशियल स्ट्रक्चर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग्स, ठीक है, इसके अंदर पढ़ना है. मीनिंग क्या है इसका, डिफरेंस बिटवीन फिनेंशियल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, डिटरमिनेंट्स ऑफ फिनेंशियल स्ट्रक्चर, फिनेंशियल लिवरेजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ फिनेंशियल लिवरेजेस ऑन नेट इनकम एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ, फिनेंशियल लिवरेज एंड फिनेंशियल प्लानिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस फॉर फिनेंशियल लिवरेज, देन डिविडेंड पॉलिसी, सिग्निफिकेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज. TFCI, वॉट इज TFCI? TFCI इज टूरिज्म फिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. इसका हमें पढ़ना एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस एंड फंक्शंस क्या है. देन एट लास्ट हमें पढ़ना है अकाउंटिंग, उसके अंदर पढ़ना है प्रिपेशन ऑफ बिजनेस इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, होटल अकाउंटिंग. ओके, तो ये था यूनिट 10. हाफ यूनिट जो है टूरिज्म का, यूनिट 1 to 5 जो है वो हमारा टूरिज्म ट्रैवल से रिलेटेड है. जो हाफ यूनिट है 6 to 10 वो अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है या फिर मैनेजमेंट से है उसके लिए बहुत ईजी है. अदरवाइज टेंशन लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, क्योंकि इसको मैं फिर भी डिस्कस करूँगी पॉइंट वाइज. सो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और इसको मैं आगे की वीडियोज़ में डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ जो है मैं अपलोड जो करूँगी वो नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे. अब अगर हम एक लास्ट हम देखें कि पूरा जो यूनिट 1 to 10 है उसमें क्या पढ़ना है हमें, ठीक है, उसमें हमें पढ़ना था कंसेप्ट ऑफ टूरिज्म. हम यही पढ़ रहे हैं टूरिज्म, ठीक है. देन हमें क्या पढ़ना था, इसके रिसोर्सेस क्या हैं, रिसोर्सेस. देन हमें क्या पढ़ना था, एकोमोडेशन यानी कि होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एकोमोडेशन. देन इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की कैसे अगर किसी भी गेस्ट को अगर ट्रैवल करना है उसके लिए उसे ट्रांसपोर्ट की तो ज़रूरत होगी, ठीक है फ्रेंड, ठीक है. उसके बाद किसी भी बुकिंग के लिए हमें ट्रैवल एजेंसी से भी कॉन्टेक्ट करना होगा, तो ट्रैवल एजेंसी की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ट्रैवल एजेंसी एंड इसके जो बिजनेस है वो. फिर हमें मार्केटिंग ऑफ टूरिज्म क्या है वो पढ़ना है, ठीक है, मार्केटिंग ऑफ टूरिज्म पढ़ना है. इसके बाद हमें पढ़ना है कि टूरिज्म के बिजनेस क्या है, सॉरी टूरिज्म की प्लानिंग क्या है. किसी भी बिजनेस को हम खड़ा करेंगे सबसे तो पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लान प्रिपेयर देन प्रेजेंटेशन, ठीक है. किसी भी हम कोई भी काम अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो उसके लिए प्लानिंग जरूरी है. प्लान करेंगे फिर उसकी प्रिपेशन के लिए हम प्रिपेशन की तैयारी करेंगे देन हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है. प्लानिंग के बाद हमारा क्या आता है, रिसर्च ऑफ टूरिज्म, इसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, ठीक है. देन मैनेजमेंट, इसके बाद हमारा आएगा फिनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है. सो ये चीजें पढ़नी थी. ये पहला यूनिट हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म, सेकेंड यूनिट में हमारा आ गया रिसोर्सेज, टूरिज्म रिसोर्सेज, थर्ड यूनिट एकोमोडेशन, फोर्थ यूनिट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, फिफ्थ यूनिट इज ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवल बिजनेस, सिक्स्थ यूनिट इज मार्केटिंग ऑफ टूरिज्म, सेवेंथ यूनिट इज टूरिज्म प्लानिंग, एट्थ यूनिट इज रिसर्च ऑफ टूरिज्म, नाइन्थ यूनिट इज मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप. देन लास्ट यूनिट इज फिनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है. तो एक अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो ये यूनिट 10 है पूरे, इसके ऊपर हमें कोर स्टडी करनी है. ओके फ्रेंड्स, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है. अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स,
and best of luck all of you. Okay friends, bye bye.